नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्स न्यूजीलैंड के बीच में जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन फ्लॉप होने वाला है, कौन इस मैच में तगड़ा काम करके देने वाला है, कैसे आपको इस मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी दोनों ही टीम की प्लेइंग 11, सब कुछ भाइयों आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, वर्ल्ड कप में आपके भाई का जलवा रहा, ग्रुप स्टेज के जितने भी मैचेस हुए सभी मैचों में आपके भाई ने धमाका किया। खासकर वानखेड़े की पिच पे जितने भी मैच हुए, हर मैच में बंदा मेरा 2 करोड़ रुपए और मेरी भी एक एक प्लेयर से ग्रैंड लीग मिस हुई है। और लास्ट जो मैच हुआ था इस पिच पे साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का, उस मैच में मेरे कई सारे बंदे ग्रैंड लीग जीते थे और मैं एक प्लेयर से मिस हो गया था, मेरी भी 33 रैंक आई थी। और बाकी वानखेड़े की पिच पे भाइयों जितने मैच हुए हैं, हर मैच में ही आपके भाई ने धमाका किया है। वानखेड़े की क्या बात करूं भाइयों, आप तो मेरी पूरी वर्ल्ड कप की लाइन से सारी की सारी ए टू जेड वीडियो देख लो भाई, फैन हो जाओगे, बोलोगे क्या बात है भाई, पूरा मैच ही पहले ही आप वीडियो में ही बोल देते हो। तो भाई ऐसा ही है, एशिया कप जब चल रहा था तभी मैंने बोला था मेरा फेवरेट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप, 10+ मैचों में ग्रैंड लीग जिताऊंगा, ये मैंने कमिटमेंट दी थी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, एशिया कप जब चल रहा था। और भाइयों, वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के सारे मैच खत्म हो गए और आपके भाई ने सोचो कितनी ग्रैंड लीग जिताई होगी भाइयों, 36 मैचों में आपका भाई ग्रैंड लीग जितवा चुका है। आए दिनों मेरे ही बंदे 2-2 करोड़ रुपए प्राइस उठा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं जैसे हलवा है, बस वीडियो देख के, जो वीडियो में बताता हूं वो काम कर लेते हैं और ग्रैंड लीग में टॉप कर लेते हैं। तो भाइयों, वानखेड़े की पिच पे जितने भी मैच हुए सभी मैचों में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया। बाकी इस वर्ल्ड कप की आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके रिजल्ट देख सकते हो भाई, रिजल्ट देखना उसके बाद ज्वाइन करना। हर मैच में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया है और ग्रैंड लीग हर मैच में मेरे मेंबर्स ने टॉप किया है, ठीक है। तो भाइयों, लास्ट मैचों की क्या बात करूं, पूरा वर्ल्ड कप ही आपके भाई के नाम रहा। अब जो बचे हैं 3 मैच, इन 3 मैचों में कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुका हूं टेलीग्राम पे कि भाइयों तीनों ही मैचों में फिर से ग्रैंड लीग जिताने वाला हूं। और आज का मैच वानखेड़े में है, दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन में है भाई, इन दोनों में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इन दोनों मैचों में मैं ग्रैंड लीग जिताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वानखेड़े की पिच पे होता क्या है आपका भाई बखूबी ही तरीके से जानता है और आपको भी बता देगा कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है भाइयों। बाकी ईडन गार्डन में तो जितने मैच हुए हैं 2-2 करोड़ रुपए जितवाए हैं, यकीन नहीं है, ऐसे आपको यकीन नहीं होगा, आप मेरी सारी वीडियोस देखो, आप मेरे टेलीग्राम पे आके सभी मैचों के रिजल्ट देखो, मैं बोलता हूँ ए टू जेड आप सारे मैचों के रिजल्ट देख लो इस वर्ल्ड कप के आके टेलीग्राम पे। भाई बोलोगे अरे यार काश मैं भाई का चैनल पहले देख लेता, काश मैं भाई की वीडियो पहले देख लेता अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, ठीक है भाइयों। तो वर्ल्ड कप पूरा ही मेरे नाम रहा और अब बस 3 मैच जो है इनमें भी जबरदस्त बड़े बड़े धमाके करने के पूरे मूड में है आपका भाई, और होगा तो इस मैच में भी आपका भाई ग्रैंड लीग में टॉप करेगा और टॉप करवाएगा, ठीक है। तो लास्ट मैचों की बातें खत्म करते हुए सीधे बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो भाइयों, मैं जो पिच रिपोर्ट बताता हूं ना उसको सुनकर ही बंदे ग्रैंड लीग जीत जाते हैं। तो आखिर वानखेड़े की पिच पे आज होने वाला क्या है, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाइयों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे होता क्या है समझ लो ध्यान से भाइयों। ये जो पिच है फास्ट गेंदबाजों की पिच है, यहां पे फास्ट गेंदबाजों को बहुत ही जबरदस्त हेल्प मिलती है, फास्ट गेंदबाजों को फर्स्ट इनिंग में भी हेल्प मिलती है और सेकेंड इनिंग में तो फास्ट गेंदबाजों को खेलना इम्पॉसिबल है भाइयों। क्योंकि देखते हो आप शमी बुमराह सिराज इसी पिच पे तो धड़ाधड़ विकेट चटका रहे थे श्रीलंका याद है क्या बोला था मैंने, वही हुआ था ना। तो भाइयों, सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में और भी ज्यादा स्विंग मिलने लगती है भाई, जो टीम पहले बैटिंग करेगी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको वो मैच इस मैच को विन करने वाली वो टीम, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में इतनी ज्यादा स्विंग होती है कि उसको भाई बल्लेबाज नहीं खेल पाते हैं। याद होगा आपको
इंडिया वास श्रीलंका का मैच, याद होगा आपको, इंग्लैंड वास साउथ अफ्रीका का मैच, मतलब जितने मैच हुए हैं सेकेंड इनिंग में इतनी ज्यादा बॉल स्विंग हुई गए कि उसको बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। कितना भी बड़े बल्लेबाज रख दो आप सामने, अंडर लाइट में स्विंग को नहीं खेल पाएगा। ठीक है भाइयों, तो क्या समझ में आया आपको? जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले बैटिंग चूज करेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में फास्ट गेंदबाजों को खेलना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाइयों, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फास्ट गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी। अब जो लास्ट मैच हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का, उस मैच में मैंने पूरे स्पिनर लिए थे और पूरे स्पिनर चले थे, फास्ट बॉलर भी लिए थे, नहीं तो बोलो भाई फास्ट बॉलर नहीं लिए थे क्या, फास्ट बॉलर भी लिए थे, कोटजिया को सी भी बनाया था। तो भाइयों लास्ट मैच में क्या हुआ, स्पिनर्स को बहुत अच्छा टर्न मिला। तो इस मैच में चार स्पिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनको आपको गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है। वो स्पिनर क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। फास्ट गेंदबाजों के पीछे लेकिन आपको चार स्पिनर भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, बाकी पेसर्स कौन से लेना है, डेथ ओवर्स में कौन से बॉलिंग करेंगे, सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में कौन से फास्ट गेंदबाज बॉलिंग करेंगे, सब कुछ आपको भाई ऐसा बना दूंगा ना, मैं ऐसा तैयार कर दूंगा, बस आपको लाइनअप के टाइम पे टीम बनाना होगी, तो उसके बाद ग्रैंड लीग जीतोगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको, पिच पे फास्ट गेंदबाजों को हेल्प है लेकिन फिर भी चार स्पिनर आपको लेके चलना है। अब बल्लेबाज कितने लेना है भाई, मैं बोलूंगा ज्यादा बल्लेबाज मत लेना इस मैच में। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई पेसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प है, एक भी पेसर्स आपको छोड़ना दुखदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाई 100-100 पॉइंट हर बॉलर लेके जा रहा है। तो ध्यान रखना, बल्लेबाजों पे कम फोकस करके आपको गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स पे फोकस करना है। हाँ, फर्स्ट बैटिंग के बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि होता क्या है फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे 350-400 तक के भी स्कोर बन जाता है। तो फर्स्ट बैटिंग में अगर इंडिया है तो कौन से बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर फर्स्ट बैटिंग न्यूजीलैंड करती है तो कौन से बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब कुछ भाइयों आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। पिच रिपोर्ट के साथ पे उस पिच पे कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपको आपका भाई बताता है, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, आपका भाई बताएगा। ठीक है भाइयों, अब जो लोगों को पता होगा ना तभी बताएंगे ना भाई। तो भाइयों पिच रिपोर्ट में जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। पहले बैटिंग करने वाली टीम के ज्यादा जीतने के चांसेस है, जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले बैटिंग चूज करेगी। ठीक है, टॉस जीतो मैच जीतो हो सकता है। पिच पे फास्ट गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी, कौन से फास्ट गेंदबाज लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। पिच पे स्पिनर्स को भी टर्न मिलेगा, अब बोलोगे क्यों मिलेगा, क्योंकि लास्ट मैच आपने देखा ड्राई विकेट था, वो इसलिए ड्राई विकेट था क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है, धूप निकलेगी सूरज निकलेगा तो पिच पे ड्राई हो जाएगा पिच, तो ड्राई पिच पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है। तो फर्स्ट इनिंग में धूप में स्पिनर्स भी आपको गेम में दिखाई देंगे, बाकी सेकेंड इनिंग में भी अंडरलाइट में भी स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिलता है। तो भाइयों क्या समझे, सब कुछ समझे, अब मैं आपको डायरेक्ट टीम बना के बताता हूँ। ठीक है भाइयों, पिच रिपोर्ट जो कुछ थी सब कुछ मैंने आपको समझाया, और भाइयों मैच टक्कर का है। ठीक है, न्यूजीलैंड को हल्के में मत लेना, अभी से बता रहा हूँ, जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज़्यादा जीतने के चांसेस उसके रहेंगे, चाहे वो न्यूजीलैंड क्यों ना बैटिंग कर रहा हो। ठीक है, अगर आप फैंटेसी के नज़रिए से देखोगे तो मैच बहुत टक्कर का है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास में भी बोल्ट साउदी फर्गुसन, तीन पेसर्स हैं, साथ में दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र और सेटनर, देखा जाए तो बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी शमी बुमराह सिराज अगर सेकेंड इनिंग में है तो उनकी स्विंग को खेलना मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए भी। तो जो टीम बैटिंग कर रही है मैच विन कर रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाइयों, तो अब मैं डायरेक्ट आपको आज के मैच की टीम बना के बताता हूँ और ले चलता हूँ सीधे आपको ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं आपको सारे प्लेयर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ भाइयों ड्रीम इलेवन, ओपन हो गया है भाइयों ड्रीम इलेवन, पांच टीमें आपके लिए तैयार रखी है मैंने, पांच टीमें, चार ग्रैंड लीग की एक स्मॉल लीग की, बता देता हूँ क्या मेरी टीमें रहने वाली है। तो भाइयों सबसे पहले तो बात कर ली जाए अब प्लेयर्स के ऊपर, किसको लेना है, किस कंडीशन में, कौन क्या कर सकता है किस कंडीशन में, और कौन क्या करने वाला है, कितने नंबर पे कौन खेलेगा, कौन कब बॉलिंग करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे, और किसको मैं ले रहा हूँ किस कंडीशन में वो भी आपको समझा देता हूँ। तो भाइयों सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि विकेट कीपिंग सेक्शन में खेलने वाला कौन कौन है। तो भाइयों राहुल, कोनवे, लेथम, ये तीनों आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इंडिया की तरफ से केएल राहुल आपको विकेट कीपिंग भी करके देगा और पांचवें नंबर पे बल्लेबाजी भी करता हुआ दिखाई देने वाला है।
बात की जाए कोनवे की तो आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा, विकेट कीपरिंग टॉम लेथम करता हुआ दिखाई देगा। टॉम लेथम भी आपको पांचवें नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, साथ में विकेट कीपरिंग करता हुआ दिखाई देगा। कोनवे लेफ्टी, लेथम लेफ्टी, राहुल राइटी है, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि भाई लेना किसको है, ठीक है, तो भाइयों मैं रहूँगा राहुल के साथ में। अब राहुल के साथ में इसलिए हूँ मैं क्योंकि इस पिच पे देखो भाई विकेट तो गिरेंगे, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी गिर सकते हैं और फर्स्ट इनिंग में क्या बैटिंग तो आई जाती है राहुल की। लास्ट मैच में सबने ड्रॉप किया, आपके भाई ने क्लियर बोला था जो टीम बैटिंग करे उसका विकेट कीपर ले लेना, तो इंडिया ने बैटिंग करी थी, राहुल सबने लिया था और मैंने भी ओपन टीम में लेके दिया था। तो फर्स्ट बैटिंग में भी इम्पोर्टेंट है, साथ में सेकंड बैटिंग में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकंड बैटिंग में क्या होगा, बॉल स्विंग होगी, पता चल रहा है कोहली रोहित गिल तीनों चले गए, फिर राहुल थोड़ी हुई संभली इनिंग खेल रहा है और साथ में विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट ले जाए। तो राहुल इस मैच में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी विकेट कीपरिंग सेक्शन में राहुल का है, पर भाइयों राहुल को क्या है लोग ड्रॉप कर देते हैं खासकर सेकेंड बैटिंग में, पर मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों ही कंडीशन में लेने का, ठीक है। तो राहुल को मैं लेने वाला हूँ, विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट दिलाएगा, साथ में बैटिंग से भी इस मैच में बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है भाइयों, तो राहुल को मैं लेने वाला हूँ। अब और किसको लेने वाला हूँ, तो भाइयों कोनवे, कोनवे यार बुमराह या तो शमी की बॉल पे आउट हो जाता है, ठीक है, शमी इसको आता है और उड़ा देता है, तो शमी का डर रहेगा, बुमराह की आउट स्विंग नहीं खेल पाएगा, तो कोनवे थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन हाँ बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा स्विंग होती नहीं है गेंद, और फिर क्या है इंडिया के पास में कोई ऑफ ब्रेक भी नहीं है, तो हो सकता है पहले बैटिंग में कोनवे आपको अच्छा काम करके दे दे, तो ध्यान रखना अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो कोनवे भी आपको अच्छा खासा काम इस मैच में करता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले बैटिंग करने वाली टीम के ज़्यादा जीतने के चांसेस है, और ज़्यादातर चांस ये भी है कि पहले बैटिंग के ही बल्लेबाज चल पाए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब श्रीलंका ढेर हो सकती है, इंग्लैंड ढेर हो सकती है, तो न्यूजीलैंड वो इंडिया भी ढेर हो सकती है, तो ध्यान रखना। तो पहले बैटिंग का विकेट कीपर आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो आप इस मैच में लेथम को भी ट्राई कर सकते हो, इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं, साथ में न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट कीपरिंग भी कर रहा है, ठीक है भाइयों। और क्या है कि नीचे आएगा तो उस टाइम पे थोड़ी बॉल स्विंग होना कम हो जाए, तो आप सेकंड बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हो लेथम को, ठीक है भाइयों। बाकी मैंने लिया किसको है, राहुल को, दोनों ही कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टीमों में राहुल को लेने वाला हूँ, ठीक है भाइयों। तो विकेट कीपरिंग का आपको मैंने समझा दिया कौन इंपॉर्टेंट है, बाकी हाँ कोनवे बैटिंग फर्स्ट में कुछ अच्छा आपको काम करके दे सकता है, लेकिन शमी और बुमराह का डर रहेगा, क्योंकि शमी की बॉल पे कई बार आउट हो चुका है, आईपीएल में भी देख सकते हो आप, जब भी शमी आता है कोनवे चला जाता है, तो कोनवे की नस पकड़ी हुई है शमी ने भाई, जो गेंदबाज बल्लेबाज की नस पकड़ लेता है ना तो उसको वो बार बार आउट करता है, मैं खुद करता रहता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो जो मेरे सामने जो बार बार आउट होता है बार बार मैं उसका आउट करता हूँ, अब उसको पता ही नहीं कि मैंने नस क्या पकड़ी है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाइयों, ठीक है। तो कोनवे शमी की बॉल पे जाएगा हाई चांसेस है, बाकी बुमराह के पास में भी अच्छी खासी स्विंग है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही करता है। तो भाइयों लिया मैंने किसको है, राहुल को, बाकी लेथम ग्रैंड लीग की पिक है, चाहो तो ट्राई कर लेना। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आ गया हूँ, बात कर ली जाए कौन कौन खेलने वाला है। तो भाइयों सबसे पहले बात कर ली जाए रोहित शर्मा की, तो भाइयों इंडिया का कप्तान ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा, टीम के लिए खेलता है, लेकिन भाइयों इस मैच में थोड़ा आक्रामक रवैया दुखदायक साबित हो सकता है, क्योंकि बोल्ट के सामने विकेट आ सकता है, बैटिंग फर्स्ट में भी सेकंड बैटिंग में तो मुझे लग रहा उड़ाएगा। तो रोहित शर्मा का मैंने आपको समझाया, अभी पहले बात कर लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है। तो भाई कोहली, विलियमसन, डेरिल मिचेल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, मार्क चैपमैन, ये सब आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब बात कर ली जाए कि भाई लेना किस किस को है, वैसे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लेफ्ट हैंडर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो इंडिया में तो लेफ्टी है ही नहीं है, तो अब राइटियों से ही काम चलाना पड़ेगा। बात कर लीजिए भाइयों कौन कौन क्या क्या कर सकता है इस मैच में। देखो भाई इंडिया अगर बैटिंग कर रहा है तो मैं बोलूँगा आप कोहली को ज़रूर लो, क्योंकि पहले बैटिंग में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं, समझना है, पहले बैटिंग में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं बोल्ट और साउदी को, तो हो सकता है उस कंडीशन में विराट कोहली अच्छा चल जाए। बाकी हाँ दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है रविंद्र और सेटनर, तो हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिन पे आउट हो जाए, जैसे कि महाराज ने साउथ अफ्रीका का जब मैच था ना इंडिया का तो 37 रन पे आउट कर दिया था, लेकिन थर्ड एम्पायर ने कारिस्तानी करी थी तो नॉट आउट दिख गया था, ठीक है। बाकी फिर जो लास्ट मैच हुआ रिलोफ वांडर मर्वे ने बोल्ड मारा,
तो लेफ्ट आर्म स्पिन पे विराट कोहली का विकेट आता है और दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है न्यूजीलैंड के पास, तो बैटिंग फर्स्ट में भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा कोहली। बाकी हाँ, रन चेस करता है तो उस कंडीशन में तो फुल रिस्की रहेगा, क्योंकि अंडर लाइट में बॉल लहराने वाली है, ठीक है, और बोल्ट हवा में लहरा देता है बॉलों को, ठीक है, तो ध्यान रखना विराट कोहली थोड़ा सा रिस्की है इस मैच में। बात की जाए रोहित शर्मा की, तो भाई रोहित शर्मा का भी मुझे इस मैच में पूरा पूरा मतलब लग रहा है कि रोहित शर्मा जाएगा। अब बोलोगे भाई क्यों जाएगा, क्योंकि भाई वानखेड़े की पिच पे रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलता है, चाहे आप आईपीएल निकाल के देख लो, चाहे आप वानखेड़े के जितने मैच यहाँ पे हुए निकाल के देख लो, मधुशंका ने कैसा बोल्ड मारा था याद है? तो भाइयों रोहित शर्मा इस मैच में रिस्की प्लेयर है, क्योंकि इस पिच पे रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को स्विंग अच्छी मिलती है और बोल्ट साउथ ही भाई स्विंग के किंग है दोनों, हवा में लहराते हैं बोल को, थोड़ा सा खतरा रहेगा रोहित शर्मा को बैटिंग फर्स्ट में भी, बाकी सेकंड बैटिंग में तो मैं ड्रॉ भी करूँगा, ठीक है। तो रोहित कोहली का समझा दिया। बात की जाए भाइयों विलियमसन की, अगर विलियमसन पहले बैटिंग में है तो बिल्कुल आप लेना, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो विलियमसन को ज़रूर लेना, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अगर बाद में बैटिंग कर रही है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ड्रॉप करना। क्यों ड्रॉप करना? क्योंकि भाई वन डाउन आ जाएगा बैटिंग करने और पहला विकेट तो वैसे ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि भाई स्विंग इतनी मिल रही है ना इस पिच पे सेकंड इनिंग में खासकर, तो सेकंड इनिंग में विलियमसन भी रिस्की रहेगा। जैसे इंग्लैंड के सब उड़ गए थे ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, श्रीलंका के जैसे उड़ गए थे ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, वैसे न्यूजीलैंड भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ उड़ सकता है पूरा का पूरा, खासकर सेकंड इनिंग में। तो भाई सेकंड इनिंग में विलियमसन को ड्रॉप करना है, फर्स्ट बैटिंग में आप ट्राई कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं फास्ट गेंदबाजों को, बाकी ये बंदा स्पिन भी बहुत अच्छी खेलता है, जडेजा के खिलाफ भी इसके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिन का डर कम रहेगा। बाकी हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट हैंडर्स को तो आउट करते ही हैं, तो हो सकता है कि भाई दिन में स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिला तो विलियमसन चला गया जडेजा की बॉल पे, लेकिन चांसेस कम है, ज़्यादा चांसेस है कि पहले बैटिंग में ही आपको अच्छा खासा स्कोर करता हुआ दिखाई दे, टुक टुक करके आराम से रन बनाता है, ठीक है, 70 बॉलों में 50 बनाता है, 50 के आपको 70 पॉइंट मिलते हैं, तो कुछ उस टाइप की इनिंग आपको खेल के दे सकता है पहले बैटिंग में। तो ध्यान रखना विलियमसन को कब लेना है पहले बैटिंग में। बात की जाए मिचेल की, तो भाइयों मिचेल को आप दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो। बोलोगे भाई क्यों, तो भाइयों देखो इस मैच में आपको कुछ ओवर बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा, फास्ट गेंदबाज है वैसे मीडियम पेसर है, क्या है कि अगर एक भी स्पिनर पिटता है, जैसे कि मान के चलो फर्गुसन भी अगर पिटता है, बोल्ड भी अगर पिटता है, तो उसके ओवर डालेगा कौन? छठा गेंदबाज डेरेल मिचेल, छठवा गेंदबाज है, ठीक है, फिलिप्स है, लेकिन फिलिप्स के इस मैच में बॉलिंग डालने के चांसेस कम है, क्योंकि इंडिया में राइट हैंडर्स हैं, तो बॉलिंग कौन डालेगा? मिचेल, छठवा गेंदबाज है, और साथ में बैटिंग से फॉर्म जबरदस्त है, इंडिया वर्स न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, बोला था ना डेरेल मिचेल को सबसे पहले लेने वाला हूँ, रन कितने ठोके थे, कैप्टन बना था, तो इस मैच में भी सबसे पहले बैटिंग सेक्शन में डेरेल मिचेल को मैं लेने वाला हूँ। बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट की उम्मीद रखना, मिचेल बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज और इसका फॉर्म अभी बड़ा ज़बरदस्त, साथ में कुछ ओवर आपको इस मैच में बॉलिंग भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, बैटिंग सेक्शन में आपको ऑलराउंडर प्लेयर मिल रहा है, ठीक है, तो मैं ले लूँगा, ठीक है भाइयों। बात की जाए शुभमन गिल की, तो भाइयों शुभमन गिल को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन वानखेड़े की पिच पे ये भी कई बार फ्लॉप हो चुका है, आईपीएल में ही कई बार अंडा देके जाता था, तो बोल्ट और साउथ ही साथ सामने रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में मैं बोलूँगा कि ड्रॉप करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी कर रही है टीम निपटने वाली की, वो मिडिल ऑर्डर के या फिर गेंदबाजी रन बना पाएंगे सेकंड बैटिंग में, ध्यान रखना। तो शुभमन गिल को बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल आप ले सकते हो। अभी मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी दिखाऊंगा, अगर इंडिया बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में, अभी मैं आपको जो मुझे लगता है ये प्लेयर चलेंगे इस कंडीशन में वो लेके दिखा रहा हूँ। तो भाई वो डेरेल मिचेल को मैंने लिया है, अभी और किसी को नहीं लिया है। बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो भाई श्रेयस अय्यर की तारीफ इसलिए थोड़ी करता है आपका भाई, प्लेयर है भाई उस लाइक, सिलेक्शन हमेशा डाउन रहता है लेकिन हर मैच में रन मार के जाता है, लास्ट तीनों मैच निकाल के देख लो, तीनों ही वीडियो में मैंने बोला श्रेयस अय्यर को जरूर लेना, और श्रेयस अय्यर ने काम करके दिखाया है,
और मेरे बंदे इसलिए तो ग्रैंड लीग जीते हैं इंडिया के सारे मैचों में, क्योंकि आपके भाई ने इंडिया के मैचों में हमेशा सटीक प्रेडिक्शन दिया इस वर्ल्ड कप में। इंडिया के मैच क्या है यार, आपके भाई ने पूरे वर्ल्ड कप में ही एकदम सटीक प्रेडिक्शन दिया है। जिसको फ्लॉप बोला है वो फ्लॉप गया है, जिसको बोला है कि ये बॉलर इसको आउट करेगा उसी बॉलर ने उसको आउट किया है। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो अयो आज के मैच में आप श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हो, खासकर पहले बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो। बोलोगे क्यों? क्योंकि भाइयों देखो, सेकंड बैटिंग में अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो पता चल रहा है कोहली रोहित गिल चले गए, ठीक है, तो क्या है फिर ज़्यादा मूवमेंट मिलना कम हो जाएगा। तो श्रेयस अय्यर आएगा कब? चौथे नंबर पे, तब तक के बॉल लहराना कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में श्रेयस अय्यर का बल्ला सेकेंड इनिंग में भी बोल सकता है, बाकी फर्स्ट इनिंग में तो भाइयों लोग उम्मीद करते हैं 1-2-3 से चौथे और पांचवें नंबर के बल्लेबाज ज्यादा रन बनाते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग में श्रेयस अय्यर को ट्राई करना है, ग्रैंड लीग की एक जबरदस्त पिक रहेगा। स्मॉल लीग में भी आप रिस्क लेके इसको दोनों ही कंडीशन में अपनी टीम में लेके चल सकते हो। पर हाँ, फास्ट बॉलर से डर कम, लेकिन स्पिनर का डर पूरा पूरा रहेगा। मिचेल सेटनर और रचिंद्र रविंद्र दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, राइट हैंडर्स को ऐसे ही आउट कर देते हैं, और इंडिया की टीम की कमजोरी ही तो है लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ध्यान रखना, श्रेयस अय्यर लेफ्ट आर्म स्पिन पे फंस सकता है, लेकिन फास्ट गेंदबाजों को इस मैच में आपको अच्छा खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी इसकी कमजोरी है शॉर्ट बॉल, और आजकल तो शॉर्ट बॉल इसको डालते हैं और ये छक्का कूदा देता है, तो शॉर्ट बॉल अब कम डाली जाएगी, ज़्यादातर यॉर्कर और स्विंग पे ध्यान दिया जाएगा। अभी मीडिया पे एक सॉरी इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही थी, श्रेयस अय्यर से पूछा जा रहा था कि भाई आप शॉर्ट बॉल पे हमेशा आउट होते हो, इसके लिए क्या तैयारी अगले मैच के लिए? तो श्रेयस अय्यर ने बड़ा ईगो में एटीट्यूड में जवाब दिया कि मैं शॉर्ट बॉल पे आउट होता हूँ। भाई रिपोर्टर दंग रह गया, मैं कभी नहीं होता शॉर्ट बॉल पे आउट, उसने ऐसा बोला। और भाई जब से उसको शॉर्ट बॉल ही डाले जा रही है, सब लोग टीम है और वो कुदाए जा रहा है लपक के। तो श्रेयस अय्यर ने प्रूव कर दिया उस रिपोर्टर को गलत, ठीक है। बाकी हाँ, कमजोरी तो है, कई बार आउट हो जाएगा शॉर्ट बॉल पे, लेकिन आप भाइयों जब आप तैयारी कर ले हो जिस चीज की, तो भाई फिर आपको कौन कैसे आउट करेगा। शॉर्ट बॉल की तैयारी करी श्रेयस अय्यर ने। तो भाइयों श्रेयस अय्यर के बारे में इतना बोल दिया मैंने, काफी है। दोनों ही कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो श्रेयस अय्यर को। बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, अभी इंडिया की टीम में अगर सबसे अच्छे लंबे छक्के मारता है तो श्रेयस अय्यर। गेंद भमा देता है भाई, लंबा है ही, और ऐसे शॉर्ट घुमाता है कि गेंद ऐसा लगता है फाड़ी देगा। ताकतवर है भाई वो, श्रेयस अय्यर दमदार। अभी इंडिया में लंबे छक्के मारने वाला कोई है तो उसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर से लंबा छक्का कोई नहीं मार सकता अभी इंडिया में, इतनी बड़ी बात। कोहली तो कतई नहीं मार सकता। तो श्रेयस अय्यर के बारे में बता दिया भाई। अब नीचे जो दो है चैंपियन प्लेयर, उनके बारे में बात कर ली जाए, तो भाई सूर्य कुमार यादव कोई भी नजर नहीं रख रहा है। नहीं रखो तो बढ़िया है, क्योंकि देखो भाई लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट होता है, लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट होता है, लेकिन अगर इंडिया के धड़ाधड़ा विकेट गिर गए तो फिर आपको संभली इनिंग भी खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सूर्य कुमार यादव के बारे में बता रहा था मैं। सूर्या भाई पे नजर कोई नहीं रख रहा है, लेकिन भाई अगर इंडिया के विकेट धड़ाधड़ गिर गए, खासकर सेकेंड बैटिंग में, तो ट्राई कर लेना, संभली इनिंग खेलता हुआ दिखाई दे सकता। पता चल रहा है कि न्यूजीलैंड को अकेला ही फिर हरा रहा है सूर्या भाई। भूल जाओ ओडीआई के रिकॉर्ड, फिर सूर्या भाई अपना जलवा दिखा रहे हैं T20 वाला, वर्ल्ड नंबर वन बल्लेबाज है T20 का सूर्या, ठीक है। तो ध्यान रखना सूर्या कुमार यादव पे, खासकर सेकेंड बैटिंग में। फर्स्ट बैटिंग में रिस्की रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग में बैटिंग आ रही है 43वें ओवर में या 45वें ओवर में, तो 15 बॉल में 50 रन भी बना सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि इंडिया के विकेट दोनों ही कंडीशन में जाएंगे, तो इस मैच में सूर्या की बैटिंग जरूर आएगी, ठीक है। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 7% हो गया है आज, 122 पॉइंट दिख रहे हैं आपको टोटल। इस मैच में 122 पॉइंट सूर्या भाई ले सकते हैं। कमजोरी है लेफ्ट आर्म स्पिन, फिर भी बोल रहा हूँ कि ले सकते हैं। अब बोलोगे भाई ये भी बताई दो यार, अंदर की बात क्यों छुपा रहे हो? चलो यार आपसे क्या छुपाऊं, वानखेड़े की पिच पे सूर्या भाई का बल्ला हमेशा बोलता है। वानखेड़े में बंदा हमेशा रन ठोकता है,
चाहे आप आईपीएल के पूरे स्कोर कार्ड निकाल के देख लो, वानखेड़े की पिच पे ही ज्यादातर शतक लगाता है सूर्या कुमार यादव। तो भाई मुंबई का प्लेयर है, मुंबई की पिच का एक्सपीरियंस है, वानखेड़े में शतक ठोक सकता है। ध्यान रखना सूर्या भाई ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी पिक है। अगर आप रिस्क लेके खेलते हो ना, अगर आप तीन बल्लेबाज लेके खेलते हो ना, तो आप मालूम है क्या करूं, डेरिल मिचेल, ये चार बल्लेबाज। आप बोलोगे भाई चैपमैन का तो बता दो, बताता हूँ ये जो चार बल्लेबाज हैं भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चैपमैन को भले आप हटा सकते हो, पर चैपमैन का मैं क्यों बोल रहा था अभी आपको आगे बताऊंगा। ये जो तीन बल्लेबाज हैं और एक विकेट कीपर, अगर आप अगर जैसे विजन इलेवन पे खेल रहे हो तो वहां पे भाई तीन बल्लेबाज लेने ही पड़ते हैं, तो ये जो तीन बल्लेबाज है आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो मुंबई की पिच पे सूर्या के रिकॉर्ड जबरदस्त, श्रेयस अय्यर का फॉर्म जबरदस्त, प्लस नीचे आते हैं बोल्ट और साउदी का थोड़ा खतरा कम रहेगा स्विंग का। तो आइयो समझ रहे हो, कहानी समझ में आ रही पूरी। बाकी डेरिल मिचेल तो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करेगा, फॉर्म भी जबरदस्त है। तो ये तीन बल्लेबाज जो है इन पे आपको ध्यान रखना है। दुनिया ले रही है कोहली रोहित गिल को, लेने दो, आप यूनिक करोगे तभी आप ग्रैंड लीग जीतोगे। और इस मैच में बहुत रिस्की टीम बनने वाली है भाइयों, इस मैच में सेफ जो खेल रहे हैं ना, जैसे लास्ट मैच में तो मैं भी सेफ खेला, मैंने भी बोला था भाई इंडिया के पांचों ले लो आप, और पांचों के पांचों ड्रीम टीम में आए, वो नीदरलैंड थी, ये न्यूजीलैंड है, और ये वानखेड़े है वो बेंगलोर था। बेंगलोर हाई स्कोरिंग है, वानखेड़े लो स्कोरिंग है, ध्यान रखना इस चीज को, इतना अच्छा कोई नहीं बताता भाइयों। तो ध्यान रखना ये जो तीन बल्लेबाज है ग्रैंड लीग के लिए भी बहुत जबरदस्त है, स्मॉल लीग में भी आपको अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप करवा के दे सकते हैं। ये जो चार मैंने आपको बताया इन पे नजरें बना के रखना, ध्यान रखना। भले श्रेयस पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन सूर्या पे मैं बोलूंगा भाई टीम में लेने का रिस्क लेना, ठीक है भाइयों। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने बस डेरिल मिचेल को ही रखा है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि ये बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कंडीशन में। विलियमसन बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, सूर्य कुमार यादव दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म जबरदस्त है और प्लेयर भी जबरदस्त है, प्लस नीचे आएगा थोड़ा तो बोल्ट साउदी का खतरा नहीं रहेगा। बाकी रोहित और कोहली भाई ये दोनों बोल्ट के सामने कई बार आउट हो चुके हैं, बोल्ट इनको पहली पहली बॉल में उड़ा चुका है। याद कर लो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 में दोबारा से खेला जा रहा है, 2019 दोबारा रिपीट हो सकता है। इनिंग किसने खेली थी, धोनी और जड्डू ने, तो फिर से आपको नीचे के दो प्लेयर इनिंग अच्छी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा अपने दिमाग में बसा के रखो। तो भाइयों मैंने अभी सिर्फ डेरिल मिचेल को लिया है, अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आ गया हूँ, पहले बात करेंगे कौन कौन खेलने वाला है। रविंद्र जडेजा, मिचेल सेटनर, ग्लेन फिलिप्स, ये चार तो आपको कंफर्म इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी इस मैच में अश्विन को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में लेफ्ट हैंडर से, लेकिन देंगे किसकी जगह पे, कौन हटेगा, कोई लग नहीं रहा हटने वाला, तो भाई रेस्ट ही दिया जाएगा अश्विन को। भले माना कि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है, फिर भी अश्विन को रेस्ट ही दिया जाएगा, मालूम है क्यों। अब आपने बोला, देख रहे होंगे आप, रोहित शर्मा बॉलिंग डाल रहा था, सूर्या बॉलिंग डाल रहा था, शुभमन गिल बॉलिंग डाल रहा था, मजाक मस्ती नहीं चल रही थी, वो मालूम है तैयारी चल रही थी इस मैच की, क्योंकि न्यूजीलैंड में लेफ्टी है और इंडिया के पास में ऑफ स्पिनर नहीं है, तो वो जो तीन थे ना, सूर्या गिल और रोहित, ये तीनों ऑफ स्पिनर हैं, तो तैयारी चल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग करना है, समझ गए। तो आज के मैच में ये जो तीन के मैंने नाम लिए बॉलिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में लेफ्टी है, अश्विन को खिलाएंगे नहीं, तो अश्विन की अगर भाई दो लेफ्टी स्ट्राइक पे है तो जडेजा से थोड़ी ना आउट होगा, फिर तो भाई सूर्या गिल और रोहित को आना पड़ेगा, समझ गए कहानी। तो भाइयों अब बात करेंगे आगे टीम के बारे में, किसको मैं क्यों लेने वाला हूं। तो भाइयों अभी नहीं पूछूंगा क्वेश्चन पूछूंगा बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूं, क्यों लेने वाला हूं। तो भाइयों सबसे पहले चलो यार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए, है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाए,
बता दो सबसे पहले मैं किसको लूंगा ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर आपने बता दिया तो मालूम है आपको क्या मिलेगा, आप इस मैच में ग्रैंड लीग जीतोगे। जिस प्लेयर पे भी आपका भाई क्वेश्चन पूछ ले, हर बार वैसे बॉलिंग सेक्शन में पूछता हूं लेकिन आज मैं ऑलराउंडर में भी पूछूंगा और बॉलिंग सेक्शन में भी पूछूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बताओ, ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लूंगा, बता दो कमेंट करके। जिसने सही आंसर दिया वो ग्रैंड लीग जीतता है, क्योंकि वो बंदा सही आंसर भी देता है और उसको अपनी टीम में भी लेता है, और जिस पे आपका भाई क्वेश्चन पूछ ले वो ड्रीम टीम में 101% आता ही है, भले उसका सिलेक्शन 5% या 2% क्यों ना हो। तो बताओ ऑलराउंडर सेक्शन में मैं किसको लूंगा सबसे पहले, कर दी कमेंट। तो भाइयों एक लाइक भी ठोक देना, लास्ट वीडियो में 14,000 लाइक आए, इस वीडियो में यार 20,000 लाइक तो चाहिए, ठीक है। सेमीफाइनल मैच है, ग्रुप स्टेज के सारे मैचों में ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया है, इस मैच में लाइक चाहिए यार भाइयों। 20,000 तो भाइयों मेरा मतलब डिजर्व करता हूँ 20,000 लाइक के लिए। तो अगर आपकी कमेंट हो गई हो तो लाइक जरूर ठोक देना, ध्यान रखना जो लाइक ठोकता है ज़्यादातर ग्रैंड लीग्स वही विन करता है, क्योंकि उसको ऊपर वाला देखता है कि भाई इसकी पूरी वीडियो देखी लेकिन एक लाइक भी ठोक के नहीं गया, तेरी ग्रैंड लीग मैं मिस करवाता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला देखता है, कमेंट ठोक दी है तो लाइक भी ठोक देना, ग्रैंड लीग जीतोगे, ठीक है भाइयों। तो चलो अब मैं बता देता हूँ आपको कि मैं सबसे पहले किसको लेने वाला हूँ, चलो बता देता हूँ। तो भाइयों इस मैच में दोनों ही कंडीशन में, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ इस मैच में मिचेल सेटनर को। अब बोलोगे क्यों, तो भाइयों देखो रोहित, कोहली, गिल, सूर्या, श्रेयस, राहुल, भाई सभी तो राइट ही हैं, इंडिया की टीम राइटियों की है, और न्यूजीलैंड का प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर, विकेट टेकर लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेटनर, प्लस इसको शमी और बुमराह का डर थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये बैटिंग करने जब आएगा तब हाई चांस है कि जडेजा बॉलिंग डाले, ठीक है, या कुलदीप बॉलिंग डाले, तो भाई वो लेफ्ट आर्म स्पिन को तो अच्छे से खेल लेगा, तो बैटिंग से इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस इंडिया में राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं तो विकेट कन्फर्म हो गए, प्लस वानखेड़े की पिच पे लास्ट मैच में स्पिनर्स का दबदबा था, बोलबाला था, तो इस मैच में भी आपको स्पिनर्स का बोलबाला दिखाई दे सकता है, खासकर फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि धूप की वजह से पिच ड्राई रहेगी तो भाई स्पिनर्स के खाते में अच्छे खासे विकेट गुच्छों में आ सकते हैं, ठीक है। और मिचेल सेटनर हमेशा इंडिया के खिलाफ विकेट निकालता है और इंडिया में राइट हैंडर्स की भरमार है, भाई 5 विकेट भी निकाल सकता है मिचेल सेटनर, प्लस बैटिंग से भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सेकेंड बैटिंग में तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही क्योंकि शमी, बुमराह, सिराज पूरा टॉप ऑर्डर खा जाएंगे, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा, रन बना के दे सकता है, साथ में विकेट तो भाई मुझे कन्फर्म दिख रहे हैं मिचेल सेटनर के। तो सेटनर को लेना है ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट पिक, CVC बनाने के लिए बढ़िया ऑप्शन मिचेल सेटनर, ठीक है भाइयों। तो सेटनर को मैंने सबसे पहले लिया है, अब और किसको लूंगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाइयों अब मैं लेने वाला हूं यहां से रचिंद्र रविंद्र को। बोलोगे भाई क्यों, भाइयों बैटिंग का फॉर्म जबरदस्त चल रहा है और इंडिया के पास में नहीं है कोई भी ऑफ ब्रेक गेंदबाज, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेसर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है, थोड़ा सा डर रहेगा शमी और बुमराह का, बाकी सिराज को आराम से खेल लेगा। क्यों खेल लेगा, क्योंकि सिराज क्या है ज़्यादा इनस्विंग डालता है तो इसके साइड से निकल जाएगी, ठीक है, बाकी बुमराह और शमी दोनों ही डालते हैं उलझा देते हैं, तो शमी और बुमराह का डर रहेगा, लेकिन ये बॉलिंग भी तो डालता है पूरी पूरे 10 ओवर आपको इस मैच में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा, पता चल रहा है सेटनर से ज़्यादा विकेट निकाल लें और बैटिंग में आगे रन भी ठोक जाए। तो भाई इस मैच में CVC के लिए दूसरी सबसे बेस्ट पिक, स्मॉल लीग खेलते हो तो भाई सी बना लो आप, स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी बनाने के लिए। कोहली बोली में मत उलझो, रविंद्र पे ध्यान रखो, रविंद्र आपको 10 ओवर बॉलिंग करके दे रहा है प्लस बैटिंग से फॉर्म जबरदस्त चल रहा है, बैटिंग भाई फर्स्ट बैटिंग में तो यहाँ पर रन भी अच्छे बनते हैं, पता चल रहा है पहले बैटिंग में 100 भी बना दे और सेकेंड इनिंग में आके विकेट भी ले जाए, पता चल रहा है फर्स्ट इनिंग इंडिया की है तो धूप की वजह से विकेट ले जाए, और क्या चाहिए भाइयों, रविंद्र आपको दोनों ही काम करके देगा प्लस बैटिंग भी ओपनिंग करता है, ठीक है भाइयों। तो रविंद्र और सेटनर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्र ज्यादा इंपॉर्टेंट
कब है? पहले बैटिंग में, ठीक है, सेकंड बैटिंग में थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि ओपनिंग में पता चल रहा है बुमराह या सिराज या फिर शमी। सिराज को मेरे हिसाब से खेल लेगा सही से, लेकिन बुमराह और शमी की बोल पे जा सकता है, पर फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग पूरी डालेगा और लेफ्टी है, एडवांटेज मिलने वाला है, स्पिन को अच्छा खेलेगा। ठीक है भाइयों, तो रविंद्र और मिचेल सेटनर, इन दोनों को तो मैं लेने ही वाला हूँ, अब और किसको लेने वाला हूँ वो बता देता हूँ। तो भाइयों रविंद्र जडेजा को भी मैं पूरी अपनी 20 टीम में लेने वाला हूँ। अब बोलोगे भाई जडेजा को क्यों लिया, तो भाइयों न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं कि बस लेफ्टी लेफ्टी है, न्यूजीलैंड की टीम में राइट हैंडर्स भी हैं, विलियमसन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, ये तो आपको तीन राइट ही दिख गए, बाकी फिर बॉलिंग में जाओगे तो बोल्ट, साउदी और फर्गूसन, ये भी राइट ही हैं। ठीक है भाइयों, तो नीचे जो है और क्या है, बीच में भी राइट ही है, थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि लेफ्टी ज़्यादा है, डेवन कोनवे, लेथम, रचिंद्र, रविंद्र, सेटनर, तो अगर लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पर रहेंगे तो जडेजा को विकेट बड़ी मुश्किल से मिलेगा, एक चीज़ ये है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पता नहीं इसको क्या हो जाता है, काले कपड़े देख के पागल हो जाता है, बहुत मारता है, एक मैच में नहीं मारा है, 2019 का वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था जो इंडिया हार गई थी न्यूजीलैंड से उसमें भी मारा था, उससे पहले भी कई सारे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच हुए थे उसमें भी भाइयों इसने लपक के पिटाई करी थी। तो ये न्यूजीलैंड को मारता है, रन मारता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, बाकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पिच पे स्पिनर्स को भी हेल्प है, तो भाई विकेट भी आ सकते हैं खाते में। बाकी बैटिंग से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, बॉलिंग से थोड़ी सी कम उम्मीद है क्योंकि लेफ्टी ज़्यादा है न्यूजीलैंड में, बॉलिंग से कम उम्मीद लेकिन बैटिंग से पूरी उम्मीद। तो भाइयों रविंद्र जडेजा को मैं लेने वाला हूँ बैटिंग की उम्मीद से, बाकी पता चल रहा भाई राइट हैंडर्स के ले जाए विकेट, ग्लेन फिलिप्स, विलियमसन और क्या नाम उसका डेरिल मिचेल, राइट ही भी है तो उनके विकेट ले सकता है। और सबसे मेन बात क्या है ना भाइयों कि इंडिया में अभी प्रॉपर पांच ही गेंदबाज खेल रहे हैं, तो लेफ्टी हो या राइट ही हो स्ट्राइक पे ओवर तो पूरे 10 डालेगा ही, बैटिंग से इंपॉर्टेंट रहेगा ही, तो जडेजा भी मेरी टीम में रहेगा ही, है ना भाइयों। तो यहां से मैं तीन ऑलराउंडर ले रहा हूं, बाकी अश्विन खेलता है तो भाई वो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा वो, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड में है लेफ्ट हैंडर्स तो उनके विकेट चटकाएगा कौन, रविचंद्रन अश्विन। लास्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की वीडियो में पूरे 10 प्लेयर ड्रीम टीम के दिए थे मैंने, 10 प्लेयर। ठीक है, तो अश्विन खेलता है तो सीवीसी बनाने लायक रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड में लेफ्टी ज्यादा है। ठीक है भाइयों, और हो सकता है भाई कोई एक बैठ जाए और उसकी जगह पे अश्विन आ जाए, लेकिन चांसेस कम है, जब इतने सारे मैचों में नहीं खेला है तो सेमीफाइनल में बिठाने में क्या दिक्कत है, तो ध्यान रखना अश्विन को रेस्ट दिया जा सकता है इस मैच में, ओ खिलाया जा सकता है इस मैच में क्योंकि लेफ्टी है, दिनोगे कोनवे, लेथम, मार्क चैपमैन, रचिंद्र, रविंद्र और कौन, मिचेल सेटनर। अच्छा, मैंने मार्क चैपमैन के बारे में आपको नहीं बताया था, तो भाई अश्विन नहीं खेलेगा तो चैपमैन अच्छा रह सकता है, बैटिंग से कुछ बड़ा करके दे सकता है आपको इस मैच में मार्क चैपमैन। ठीक है, उस टाइम पे भूल गया था मैं बताना, लेकिन इस टाइम पे बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया से ऑफ स्पिनर खेलेगा नहीं और राइट हैंडर चले गए तो फिर वो लेफ्टी को आउट करना मुश्किल है इंडिया के लिए। ठीक है भाइयों, तो उस कंडीशन में चैपमैन का भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो भाइयों ग्लेन फिलिप्स इस मैच में रिस्की प्लेयर है लेकिन ये बल्लेबाजी अच्छी करता है और वैसे इंडिया में यार देखो लेफ्टी नहीं है तो बॉलिंग इस मैच में आपको शायद ही डाल का दें, लेकिन हाँ पहले बैटिंग में क्या होता है ना, धूप की वजह से स्पिनर्स को टर्न मिलता है, पता चल रहा है राइट हैंडर्स के एक हाथ दो विकेट ले लें और बैटिंग से आकर रन भी ठोक दें, तो ग्रैंड लीग की अच्छी पिक है लेकिन थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा इस मैच में फिलिप्स, इसलिए मैं ड्रॉप ही करूँगा। ठीक है भाइयों, तो ऑलराउंडर में मैंने तीन लिए हैं, अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ, बात करेंगे कौन कौन खेलने वाला है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप यादव और यहाँ से लोकी फर्गुसन और मोहम्मद सिराज और टीम साउथी, इतने ही मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, सबके सब आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और कौन है नीचे, हाँ बस इतने ही आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाइयों अब बात करेंगे कि लेना किसको है किस कंडीशन में। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, दोनों कंडीशन में मैं किस किस को लूंगा तो वो बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपका एक और क्वेश्चन, अब बताओ
कि बॉलिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले किसको लेने वाला हूं, जिसने सही बताया वो ग्रैंड लीग जीता। तो बताओ बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लेने वाला हूं, कमेंट कर दो। हो गई कमेंट, लाइक भी ठोक देना इस वीडियो पे, 20,000 लाइक चाहिए। जितने ज्यादा लाइक होते हैं उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं ग्रैंड लीग विन करने के, क्योंकि ऊपर वाला देखता है ना। तो लाइक ठोक देना, कमेंट हो गई, बता दूं सबसे पहले किसको लूंगा, खोल दूं राज। चलो राज की बात आपके साथ शेयर करता हुआ। तो भाइयों सबसे पहले लेने वाला हूं मैं बॉलिंग सेक्शन में, दोनों ही कंडीशन में, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, सबसे पहले मेरी टीम में रहेगा पता है कौन, उसका नाम है उंगली देख के समझ जाओ कहां जा रही है। तो भाइयों दोनों ही कंडीशन में, कोई भी टीम बॉलिंग कर रही है या बैटिंग कर रही है, सबसे पहले मेरी टीम में रहेगा जसप्रीत बुमराह। आप बोलोगे भाई बुमराह को क्यों लिया दोनों ही कंडीशन में, तो भाई उसका रीजन है कि पावर प्ले में 5 ओवर, डेथ ओवर में 5 ओवर, फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब 5 ओवर जो पावर प्ले के हैं वो सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो गए, समझ गए कहानी। सेकेंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग करी तो शूशा करके विकेट निकाल देगा, स्विंग दोनों तरफ से करता है, आउट स्विंग भी इन स्विंग भी, तो उसमें लेफ्टी भी जाते हैं राइटी भी जाते हैं। बल्लेबाज परेशान रहता है कि यार कौन सी आ रही है, अनसीन स्विंग आ रही है, आउट स्विंग आ रही है, पागल हो जाते हैं बल्लेबाज। और इस पिच पे खतरनाक मूवमेंट मिल रहा है फास्ट गेंदबाजों को, खासकर इंडिया के फास्ट गेंदबाजों को। तो जसप्रीत बुमराह दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, माना कि फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा पावर प्ले में मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन डेथ ओवर्स में तो बॉलिंग करेगा, डेथ ओवर में विकेट निकालेगा। तो बुमराह सेकेंड इनिंग में तो वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी फर्स्ट इनिंग में भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, ठीक है भाई। तो बुमराह मेरी टीम में रहेगा सबसे पहले। अब दूसरे नंबर पे मैं सबसे पहले किसको लूंगा, अब ये तो आपको कमेंट ही करना पड़ेगी, चलो नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि दो कमेंट मैंने करवा ली, लाइक भी आपने ठोके दिए होंगे। अब बात करेंगे सीधे, अब भाई अब मैं रुकूंगा नहीं, अब कंटिन्यू मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताता जाऊंगा कि मैं इसको इसलिए ले रहा हूं, इसको मैं इसलिए ले रहा हूं। तो भाइयों अब मैं ले रहा हूं यहां से ट्रेंट बोल्ट को, बोल्ट भी मेरी टीम में दोनों ही कंडीशन में रहेगा, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, वो इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रगल करती है, प्लस बोल्ट स्विंग का किंग है इस पिच पे, फास्ट गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिल रही है, सेकंड बैटिंग में तो आपको 3-4 विकेट निकाल के दे देगा, बाकी फर्स्ट बॉलिंग में भी डेथ ओवर्स में 1-2 ओवर डाल देता है तो वहां पे भी उसको विकेट मिल जाते हैं। तो बोल्ट खासकर सेकंड इनिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी विकेट निकाल लेता है, क्योंकि इसके पास में स्विंग है और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो बोल्ट के सामने स्ट्रगल करते हैं। तो बोल्ट और बुमराह मुंबई की शान बान आन और मुंबई में मैच है, तो भाई बोल्ट के खाते में भी विकेट कन्फर्म है, ठीक है। अब और किसको लूंगा, तो भाई अब मैं लूंगा टीम साउथी को, टीम साउथी का सिलेक्शन देखो यार, टीम साउथी का सिलेक्शन तो देखो 10%, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, रन भी बनाता है, ध्यान रखना बैटिंग भी कर लेता है, और वानखेड़े की पिचों पे बॉलर्स ज़्यादा रन बना रहे हैं बल्लेबाजों से, ठीक है। तो वानखेड़े की पिच पे टीम साउथी आपको रन भी मार के दे सकता है, प्लस ये भी न्यूजीलैंड का मेन गेंदबाज, 5 ओवर पावर प्ले में, 5 ओवर डेथ ओवर्स में, तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो गया, सेकेंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट बॉलिंग में डेथ ओवर्स में विकेट निकाल देगा, सेकेंड बॉलिंग है अगर न्यूजीलैंड की तो पावर प्ले में विकेट निकाल देगा, प्लस रन भी बनाता है, न्यूजीलैंड ढेर हो रही है तो इसकी बैटिंग भी आ रही है। तो भाइयों टीम साउथी का सिलेक्शन 10% है, 126 पॉइंट है, इस मैच में 126 पॉइंट ले सकता है, ध्यान रखना टीम साउथी का सिलेक्शन 10% है बस। अब मेरे कहने पे क्या है, मैंने बोल दिया है तो सिलेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है भाइयों। तो टीम साउदी, बोल्ट और बुमराह, इन चार को तो मैं लूंगा ही, अब जो गेंदबाज रहेंगे उनको मैं टॉस के बाद लूंगा, बोलोगे भाई क्यों, लेकिन हाँ फिर भी आप एक गेंदबाज को दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो, उसका नाम है मोहम्मद शमी, खासकर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट रहेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में भी 4-4 5-5 विकेट निकाल चुका है, लास्ट मैच में फ्लॉप हो गया था वो इसलिए क्योंकि सेकेंड इनिंग थी,
जो बात मैं आपको पहले बता चुका था पहले के वीडियो में, कल वो काम करी गई। तो भाइयों मोहम्मद शमी पहले बॉलिंग में क्या करेगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, और फर्स्ट बॉलिंग में ही न्यूजीलैंड के कितने विकेट निकाले थे, 5 विकेट निकाले थे। तो इस मैच में भी अपना पंजा खोल सकता है, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में क्या करता है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है। कब आता है, 10 ओवर के बाद आता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट गेंदबाज, बाकी सेकेंड इनिंग में भी आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि भाई सेकेंड इनिंग में भी बॉल लहरा रही है और मोहम्मद शमी स्विंग का किंग विकेट हमेशा निकालता है। श्रीलंका की वाट लगा डाली थी इसी पिच पे, तो भाई न्यूजीलैंड की भी वाट लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको 7वें 8वें ओवर में बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे सेकेंड इनिंग में, फिर अच्छा खासा बल्लेबाज है तो उसको भी ढेर कर रहा है। बेन स्टोक का विकेट याद है, यहाँ बॉल डाली थी यहाँ घुस गई थी, तो इसके पास में आउट स्विंग भी है। बाकी राइट हैंडर्स के भी बड़े आराम से विकेट निकालता है, इन स्विंग भी है, सीम है भाई, गति है बंदे के पास में। मोहम्मद शमी चैंपियन गेंदबाज है। चलो एक बात बताता हूँ आपको, मोहम्मद शमी की वीवी ने उसको छोड़ा, मोहम्मद शमी ने जवाब दिया विकेट निकाल के। जब से उसकी बीवी ने धोखा दिया है तब से हर मैच में 3 विकेट 4 विकेट 5 विकेट 6 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 5 विकेट 6 विकेट। भुगतेगी मेरे गम को, एशिया कप में बताया था। तो भाई ये वही है, बीवी का बदला वो लेता है विकेट लेके। तो बीवी को, बीवी की बोलती बंद करता है वो विकेट लेके। तो भाइयों दर्द का मारा खतरनाक होता है। तो मोहम्मद शमी वैसे ही डेंजरस गेंदबाज, सिलेक्शन कम होता जा रहा है इस मैच में क्योंकि लास्ट मैच में विकेट नहीं लेके गया है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा भाई दोनों कंडीशन में आप ले सकते हो, खासकर बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकता है। सेकेंड बॉलिंग में क्या है ना यार, आता थोड़ा सा लेट है तो हो सकता है उस टाइम पे स्विंग मोमेंट कम मिले, तो लेकिन फिर भी मैं लेके चलूंगा भाई दोनों कंडीशन में, क्योंकि मैंने देखा है इस पिच पे श्रीलंका की वाइड लगा दी थी और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट 5 विकेट निकाल चुका है 2 बार। तो मैं मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और टीम साउथी, इन चारों को तो मैं रखूंगा ही दोनों ही कंडीशन में। हो सकता है कुछ ग्रैंड लीग की टीम में, जैसे मैं 4 आईडी से खेलता हूं तो 1 आईडी में मोहम्मद शमी हटा दूं, कब, जब इंडिया सेकेंड बॉलिंग में, हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मोहम्मद शमी विकेट निकाल ही लेगा क्योंकि उसके पास में टैलेंट है, दर्द है, ठीक है, दर्द है दिल। तो भाई मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, ये 4 मेरी टीम में कंफर्म रहेंगे। अब बात की जाएगी और कौन से गेंदबाज लेना है, ठीक है। तो भाइयों न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग कर रहा है पहले, तो मैं बोलूंगा आप लोकी फर्गुसन को भी जरूर लेना। बोलोगे क्यों, तो भाइयों लोकी फर्गुसन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, लेकिन टीम साउदी कंफर्म डेथ ओवर में करता है। कभी कभी फर्गुसन के ओवर खत्म हो जाते हैं डेथ ओवर्स में आते आते, लेकिन हाँ ये इसको मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये 40 से 50 के ओवर के बीच में ये तीन चार ओवर डाल देता है। तो उस कंडीशन में क्या है, बॉलिंग फर्स्ट में इसको विकेट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में कई बार मैंने इसको देखा है विकेट लेस जाता हुआ। तो सेकंड बॉलिंग में मैं बोलूँगा फर्गुसन को आप ड्रॉप करो, फर्स्ट बॉलिंग में फर्गुसन पे रिस्क लेके टीम में पिक करो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, फर्गुसन का क्या करना है, न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है तो लेना है, नहीं तो हटा देना है, समझ गए। बाकी मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो भाइयों ये है स्विंग मास्टर, इन स्विंग मास्टर, आउट स्विंग भले अच्छी नहीं डालता है पर इन स्विंग घुसती है राइट हैंडर्स के अंदर, ठीक है। वैसे राइट हैंडर्स कम है न्यूजीलैंड में ये भी देखो, लेकिन विलियमसन वो आराम से खेलता है, पता चल रहा प्लेट करे उसकी स्विंग पे। डेरिल मिचेल वो भी प्लेट करे, कॉनवे के साइड से निकल जाएगी स्विंग, इन स्विंग उसके लिए, इन स्विंग इसके लिए डालना मुश्किल है। तो सिराज थोड़ा सा इस मैच में रिस्की हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में क्या होगा, मूवमेंट मिलेगा, स्विंग मिलेगी, पता चल रहा है आउट स्विंग इन स्विंग दोनों ही अच्छे से कर ले। वैसे ज़्यादा ही इन स्विंग करता है, राइट हैंडर्स के विकेट आते हैं उसमें, तो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हो सकता है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ स्ट्रगल करे, लेकिन गलती से एक हाथ विकेट मिल जाए, एज वेज लग के कीपर के हाथ में कैच आ जाए। तो मोहम्मद सिराज को लेना कब है, फर्स्ट बॉलिंग में मैं बोलूँगा ड्रॉप कर दो, फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ दो, हटा दो टीम से, गायब कर दो। सेकेंड बॉलिंग में अगर इंडिया सेकेंड बॉलिंग कर रहा है तो मैं बोलूँगा आप सिराज को बिल्कुल ले सकते हो,
क्योंकि स्विंग मिलेगी, मूवमेंट मिलेगा, है ना, अंडर लाइट में अच्छी गेंदबाजी करेगा। तो सेकंड इनिंग में सिराज को ले सकते हो, पर मैंने आपको बता दिया इन स्विंग ज्यादा डालता है, तो लेफ्ट हैंडर्स उसमें फंसते कम है, राइट हैंडर फंसते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। और न्यूजीलैंड में 5 लेफ्टी हैं, समझ में आया। सिराज फ्लॉप हो सकता है, पहले बॉलिंग में तो फ्लॉप होगा ही होगा, सेकंड बॉलिंग में भी हो सकता है, पर सेकंड बॉलिंग में स्विंग मिलेगी इसलिए मैं सेकंड बॉलिंग में लूंगा, नहीं तो मैं ड्रॉप करूंगा। तो भाइयों 9 प्लेयर मैं ले चुका हूँ, बचे मेरे 2 प्लेयर। तो 2 प्लेयर मैं कौन से ले रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की उसके बाद उसको ले रहा हूँ, कुलदीप यादव को ले रहा हूँ। कुलदीप यादव को इसलिए ले रहा हूँ, पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, 4 स्पिनर्स का नाम लिया था, तो 3 ऑलराउंडर थे, चौथा ये है कुलदीप यादव। लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन, सबका बाप है, गुगली लेग स्पिन दोनों ही डालता है, ठीक है, चाइना मेन स्पिनर है, अंदर बाहर दोनों ही करता है, लेफ्टी राइटी दोनों ही परेशान होते हैं। और अभी इंडिया की तरफ से अगर लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा आउट कर रहा है तो वो कुलदीप यादव है, तो जडेजा पिटेगा तो कुलदीप विकेट निकालेगा, पता चल रहा है शमी बुमराह से भी विकेट नहीं लिए जा रहे तो कुलदीप विकेट निकालेगा। ध्यान रखना कुलदीप का सिलेक्शन कम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो कुलदीप को मैं लेने वाला हूँ दोनों ही कंडीशन में, समझ गए। बाकी जो एक गेंदबाज रहेगा, अगर इंडिया बॉलिंग कर रहा है पहले तो फर्गुसन, वो हाँ नहीं, इंडिया अगर बॉलिंग कर रहा है यार, इंडिया अगर बॉलिंग करेगा तो सिराज को तो लेना नहीं है, फर्गुसन को भी नहीं लेना है, तो फिर एक हाथ बल्लेबाज ले लेना है। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है तो फर्गुसन, समझ गए। बस एक ही प्लेयर पे दाव खेलना है आपको, तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं यहां से सूर्या कुमार यादव को। ये रही मेरी, ये स्मॉल लीग की टीम है, आप इसको ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हो, ठीक है भाइयों। तो सब कुछ समझ में आया, अब मैं आपको अपनी सारी टीमें दिखा देता हूँ खोल के, लेकिन उससे पहले लाइक ठोक देना। बाकी हाँ, प्राइम मेंबरशिप के बारे में भी आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइन से अपनी ग्रैंड लीग की टीमें निकाल के दिखाता जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी ग्रैंड लीग की भी टीम है, स्मॉल लीग की भी टीम है, आज मैं रिस्क लेने वाला हूँ दबा के, ठीक है। तो भाइयों प्राइम मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ पहले आपको, आपका भाई प्राइम मेंबरशिप देता है, प्राइम मेंबरशिप में आपको मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी, लाइनअप के बाद में मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम से प्राइम ग्रुप में भेजता हूँ। तो प्राइम आपको कैसे ज्वाइन करना है, मेरा रियल टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ा है, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा रियल व्हाट्सअप नंबर मैं अपने मुंह से आपको बता देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9131658484। कभी भी ज़िंदगी में प्राइम लेना है या फिर अभी आपको प्राइम लेना है तो आप यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट मुझसे कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे भी मेरा यूज़र नेम और व्हाट्सएप नंबर डला है, लेकिन ध्यान रखना मेरा सिर्फ एक ही रियल टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ध्यान रखना मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको बोल के बताया और डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। ध्यान रखना क्या है कि मेरे नाम से बहुत फ्रॉड होता है, उनसे बच के रहो, सावधान रहो। जो मेरा रियल व्हाट्सअप नंबर है मैंने आपको बता दिया, मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है। मेरी डीपी लगा के लोग दूसरों को मैसेज करते हैं और ठग लेते हैं, तो उनसे सतर्क रहो, फेक चैनल वालों से बच के रहो, बाद में किसी गलत बंदे को पेमेंट करोगे मेरे पास में मत आना, जब तक के सोमेश ठाकरे नहीं दिखाए तब तक के पेमेंट मत करना, ठीक है। बैंकिंग वेरीफाई नेम, जब तक के सोमेश ठाकरे, और एक मेरा क्या है ठाकरे ऑटो पार्ट्स भी है, शॉप है मेरी, तो वो दिखे तब ही करना, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना बहुत लोग फ्रॉड करते हैं मेरे नाम से। तो प्राइम मेंबरशिप का बता दिया आपको, ज्वाइन कर सकते हो, इस मैच में ग्रैंड लीग आने के पूरे चांसेस हैं, और ईडन गार्डन का सेमीफाइनल बाकी है, अहमदाबाद का फाइनल बाकी है, 3 मैचों में भाई प्राइम की फीस तो आपकी वैसे ही वसूल करवा देता हूँ, क्योंकि मैं साइड के जो मैच होते हैं छोटे मोटे वो भी कवर करता हूँ, ठीक है भाई। तो प्राइम मेंबरशिप का बता दिया, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक के जाना, आज वीडियो पे 20,000 लाइक चाहिए यार भाई, ठीक है। तो लाइक ठोकोगे ऊपर वाला देखेगा, ग्रैंड लीग विन करोगे, अच्छे काम करोगे ऊपर वाला देखेगा, फल देगा, ठीक है भाई। तो अब बात कर ली जाए सीबीसी की टीम में, सूर्या बहुत नीचे है फिर भी ले रहा हूँ भाई, क्या करूँ, मुंबई पे रिकॉर्ड अच्छे हैं। सी बना रहा हूँ भाइयों मैं यहाँ से रचिंद्र रविंद्र को, वीसी बना रहा हूँ मैं मिचेल सेटनर को, क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है और रविंद्र का बैटिंग भी ऊपर करता है थोड़ी,
और मोहम्मद सिराज का थोड़ा सा खतरा कम रहेगा क्योंकि वो इन स्विंग ज़्यादा डालता है, तो उसको तो खेल ही लेगा। बुमराह का थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन बुमराह को भी मैंने देखा है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए, तो हो सकता है बुमराह शुरू में नहीं ले, दे तो ओवर में ले विकेट। तो रचिंद्र रविंद्र मेरा कैप्टन, बाकी वाइस कैप्टन मेरा मिचेल सेटनर है, क्योंकि विकेट जाएंगे न्यूजीलैंड के तो बैटिंग जल्दी आ जाएगी, और क्या है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इंडिया में राइट हैंडर्स हैं, तो विकेट मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये दोनों मेरे सीवीसी हैं। अब मैं आपको अपना टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हो। अब मैं आपको है ना जो अपनी चार ग्रैंड लीग की टीमें मैंने बना के रखी हैं वो दिखा देता हूँ उससे पहले, ठीक है। तो भाइयों ये है इंडिया के फेवर में, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो ये टीम क्या होगा, देखो भाई मोमेंट कम मिला, बोल्ट साउदी फ्लॉप चलेगा या फिर मिला एक आधा विकेट देता ओवर में, तो उस कंडीशन में ये टीम चल गई। अब इसमें आप एक चेंज कर सकते हो, एक चेंज क्या कर सकते हो, चाहो तो शुभमन गिल या फिर कोहली की जगह पे सूर्य कुमार यादव, या फिर सिराज की जगह पे शुभमन गिल, ऐसा काम आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेकंड बॉलिंग में यार सिराज भी ठीक ठाक रहता है, ये कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इंडिया अगर बैटिंग कर रहा है तो ज़्यादा ये सही रहेगा। इसमें क्या है आपके पास में ग्रैंड लीग की पिक्स आ जाएगी, साउदी आ जाएगा, कुलदीप आ जाएगा, सूर्या आ जाएगा, श्रेयस अय्यर आ जाएगा, तो मिचेल सेटनर आ जाएगा, तो ग्रैंड लीग की टीम ये बढ़िया रहेगी। आप इसमें सीवीसी और भी दूसरे बना सकते हो, सेटनर भी अच्छा है, जडेजा भी अच्छा है, कुलदीप भी अच्छा है, सूर्या भी एक बढ़िया पिक है, राहुल तगड़ा काम कर सकता है, साउदी को भी आप बीसी रख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में शुभमन गिल भी अच्छा लग रहा है, पर लोगे किसकी जगह पे, कोहली को हटाओ फिर, ये भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप बैलेंस टीम करके डेरिल मिचेल को भी इस टीम में ले सकते हो ऐसे करके, कैसा लगा, ठीक है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। तो ये हो इंडिया पहले बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में। अब ये वाली जो टीम है, ये वाली टीम न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करती है उस कंडीशन में काम आएगी आपके, ठीक है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, पता चल रहा है कोनवे भी धो रहा है, रचिंद्र भी फोड़ रहा है, फिर दोनों में से एक का विकेट गया 50 के बाद, तो फिर विलियमसन आ गया वो भी कूट रहा है, फिर वो भी 30-40-50 रन बना के वो भी चला गया, या फिर जो ओपनर साथ में था वो चला गया, फिर आया डेरिल मिचेल उसने भी कूटना चालू कर दिया, और डेरिल मिचेल पता चल रहा है सेकेंड इनिंग में एक हाथ दो ओवर में एक हाथ विकेट ले गया, ठीक है। तो मिचेल भी काम आ गया। बाकी सीवीसी मैंने दोनों इसलिए बनाए ये दोनों को क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और न्यूजीलैंड अगर जीतेगा तो भाई ये दोनों तगड़ा काम करके देंगे। बाकी चाहो तो नीचे से आप बोल्ट को भी वीसी कर सकते हो, खासकर सेकेंड इनिंग में अगर न्यूजीलैंड बैटिंग वो बॉलिंग कर रहा है तो, ठीक है। टीम साउदी ज़्यादा अच्छा रहेगा बॉलिंग फर्स्ट में ध्यान रखना, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में भी पावर प्ले में गेंदबाजी करता है। चाहो तो आप इसी टीम में शमी को वीसी कर सकते हो अपना, ठीक है, ध्यान रखना। आप ऐसा भी कर सकते हो इस टीम में रिस्क लेके, क्योंकि शमी है ना डेथ ओवर्स में विकेट निकालता है फर्स्ट बॉलिंग में, तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो। दो रिस्की कैप्टन, चाहो तो आप इस टीम में जडेजा की जगह पे कोई और ले सकते हो, सूर्या ले सकते हो जडेजा की जगह पे, ऐसे काम कर सकते हो। देखो भाई 20-20 टीमें बनाना है आपको, तो ठीक है 20 टीम बनाओगे काम आपका हो जाएगा। ये देखो ये कॉम्बिनेशन भी आपका तगड़ा रह सकता है, क्योंकि इस पिच पे सूर्या का बोलबाला है, और अगर न्यूजीलैंड जीतेगा तो सूर्या भाई की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, क्या समझे। अब जडेजा भी अच्छा है रिकॉर्ड उसके, तो आप चाहो तो एक हाथ चेंज ओवर करके, चाहो तो बुम बुम या फिर कुलदीप को हटा के जडेजा को ऐसे करके ले सकते हो, समझ रहे हो। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है आपको इस मैच में। अब मैं आपको एक टीम और बताता हूँ, ये है मेरा प्रेडिक्शन, ये है खासकर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। इंडिया अगर बैटिंग करती है तो ये ग्रैंड लीग की टीम जबरदस्त रहेगी। चाहो तो इसमें आप एक बल्लेबाज चेंज करके डेरिल मिचेल की जगह पे सूर्य कुमार यादव को रख सकते हो, ठीक है। और एक ग्रैंड लीग की टीम ये है, इसमें न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग करेगा तो फर्गुसन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ले लिया। अब सीवीसी मैंने जडेजा और सेटनर को इसलिए बना दिया क्योंकि जडेजा इनके खिलाफ हमेशा रन बना रहा है, और क्या है कि
विकेट भी निकाल ही लेता है कहीं ना कहीं से। प्लस क्या इंडिया के पास में 5 ही गेंदबाज है, 10 ओवर बॉलिंग भी करेगा, कहीं ना कहीं से एक आध दो विकेट आ जाए और फिर रन तो मारेगा ही, है ना भाइयों। तो उस कंडीशन में ये भी टीम आपकी काम कर जाएगी। सबसे बेस्ट टीम मुझे मालूम है कौन सी लगी है, सबसे बेस्ट ये है, ठीक है। और एक ये भी बहुत बेस्ट है, न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करता है तो। और बाकी ये वाली टीम तो मतलब इंडिया अगर सेकंड बॉलिंग है तो सिराज और बुमराह पावर प्ले में स्विंग करेंगे, फिर कुछ जिम्मेदारी शमी और कुलदीप निभाएंगे, और जडेजा बाकी रन वन भी बना रहा है पहले बैटिंग में, इसलिए मैंने ये टीम बना ली। अब इसमें एक हाथ चेंज भी आप कर सकते हो चाहो तो बोल्ट या फिर मिचेल की जगह पे सूर्य कुमार यादव। भाई सूर्या पे नजर रखो इस मैच में, आप मैं बता रहा हूँ आपको, सूर्या इस मैच में है ना अगला पिछला सब बराबर कर सकता है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। ये काम आप कर सकते हो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, चाहो तो आप ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा है तो बोल्ट को हटा के फर्गुसन को भी ले सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस सीबीसी से ही रह जाता हूँ मैं या फिर एक आध प्लेयर से, वो बंदे वही चेंज करके 2-2 करोड़ रुपए उठाते हैं। तो भाई मेरी टीम में थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे तो आप भी 2-2 करोड़ रुपए ऐसे ही हलवे की तरह खाओगे, ऐसे ही लूटोगे। हर मैच में 2-2 करोड़ रुपए मेरे बंदे जीत रहे हैं, यकीन नहीं। अब आ जाओ आप टेलीग्राम पे, वीडियो भी हो गई है, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, रिजल्ट देख लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो मैच है ईडन गार्डन में, वो भी महा जैकपॉट मैच है ईडन गार्डन में। जितने मैच हुए सब में ग्रैंड लीग जिताई, वानखेड़े में जितने हुए सब में ग्रैंड लीग जिताई। इस मैच में मुझे फीलिंग अभी से आ रही है कि ग्रैंड लीग आने वाली है, ठीक है भाइयों। बाकी फाइनल मेरी जो टीम रहेगी टेलीग्राम पे मिलेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, एक कमेंट कर देना जो मुझे अच्छी लगे, ठीक है भाइयों। मिलेंगे आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।